प्रत्याशियों के हित में वोट की अपील की जा रही है। तो तीसरे चरण के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें कि आज आगरा में पीएम मोदी करेंगे चुनावी जनसभा। आगरा से प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम है। एटीएस का पहरा भी यहां पर सख्त किया गया है। तो तमाम जो तैयारी है वो पीएम के आगमन को लेकर आगरा में कर ली गई है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हर पार्टी चुनावी मैदान में उतरी हुई है, तमाम जनसभाएं कर रही हैं। और अगर प्रचार प्रसार के लिए देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए आज बेहद अहम दिन है। तमाम दिग्गज आज उत्तर प्रदेश की तमाम लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार में जनसभा कर रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। अगर इसी कड़ी में देखा जाए तो आगरा की बात करें तो आगरा में खुद आज पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। तस्वीर आप देख लीजिए कि जिस मंच से पीएम मोदी और सीएम योगी जनता को संबोधित करेंगे उस पंडाल की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये कोठी मीना बाजार चेस को मैदान कहा जाता है और यहां पर तमाम बड़ी सभाएं आयोजित की जाती है। और आज इसी कड़ी में यहां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी जो है वो करीब 1 बजे के आसपास यहां पहुंचेंगे और उसके बाद करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त वो यहां बिताएंगे और इस दौरान वो जनता को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से अब की बार 400 पार एक बार फिर मोदी सरकार के एजेंडे को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। तमाम योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने कार्यकाल में की हैं उसे जनता को बताएंगे कि कैसे जनता को उसका फायदा मिलेगा और आगामी समय में एक कैसे विकसित भारत की तस्वीर जो है वो दिखाई देगी। तो उसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आगरा में आज इस मंच से आगरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में आज वोट मांगे जाएंगे। यह मंच के मुख्य मंच की तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरा मंच सजकर तैयार हो चुका है। तमाम भाजपा के जो दिग्गज हैं वो यहां मौजूद रहेंगे, दोनों प्रत्याशी यहां मौजूद रहेंगे और खुद पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। अब सुरक्षा की बात कर लेते हैं। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो लगभग 3000 से ज्यादा जवान जो है अर्धसैनिक बल इसके अलावा लगाए गए हैं। सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया है। एयरपोर्ट पर जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तो उसके बाद से लेकर इस रैली स्थल तक करीब 2.5 किलोमीटर का जो सफर है उस पूरे रास्ते पर दुकानों को बंद कराया गया है। छतों पर भी स्नाइपर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा जो नो फ्लाइंग जोन रखा गया है, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर पूरा सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी जनसभा जो है वो आज आगरा में दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में दिखाई देगी, क्योंकि तीसरा चरण है तो जाहिर सी बात है कि तीसरे चरण में जब मतदान होना है तो उस प्रचार प्रसार को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और उसी कड़ी में आज ये जनसभा यहां आयोजित होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं में कितना जोश भरते हैं और इसका क्या कुछ परिणाम इस उद्बोधन का आगामी चुनाव में नजर आता है। जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो वहीं पीएम मोदी बरेली में भी चुनावी कार्यक्रम करेंगे। बृहस्पतिवार को पीएम भमोरा थाना क्षेत्र के आलमपुर जाफराबाद में आंवला और बदायूं के बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे। शुक्रवार को पीएम दोबारा बरेली आएंगे और शहर के प्रेमनगर में रोड शो करेंगे। पीएम मोदी 26 अप्रैल को बरेली से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। पीएम का रोड शो स्वयंवर बारात घर से लेकर बांके बिहारी मंदिर होते हुए शहीद चौक तक संभावित है। ये रैली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली है और पिछली बार भी यहाँ प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी और ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। जितना आदमी अंदर होगा उतना आदमी बाहर सड़कों पर होगा, जगह कम पड़ जाएगी। इतनी विशाल रैली होने जा रही है। 5 विधानसभाएं इस लोकसभा में आती हैं, फरीदपुर, विथली, चैनपुर, आंवला, शेखुपुर और दाखागंज। पूरे क्षेत्रों से लोग भारी तादाद में उत्साह है लोगों में आ रहे हैं और बनाइयों की भी रैली है तो बनाइयों से भी